हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। अब वो लास्ट लेक्चर हम पढ़कर गए थे पीपीसी पर, पीपीएफ पर। मतलब लास्ट दो लेक्चर हमने पीपीसी पर ही पढ़े हैं बेटा। आज उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर भी बेस एक आध न्यूमेरिकल है। तो वो देखो है न्यूमेरिकल बहुत ईजी, प्रोवाइडेड कि आपको पीपीएफ या पीपीसी टर्म बिल्कुल क्लियर हो। अगर ये क्लियर होगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी बाबू, करना शुरू करते हैं एक एक करके। एग्जाम्पल आप सामने देखेंगे बेटा। अभी आपने नहीं लिखना, जब मैं बताऊंगा तब लिखना है, अभी कुछ नहीं करूंगा। कहते हैं दीपक इज वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर एट अ सैलरी ऑफ 1 लाख पर मंथ। दीपक काम करता है, सेल्स मैनेजर है बेटा, 1 लाख रुपए महीना पे। कहते हैं ही रिसीव्ड टू मोर जॉब ऑफर्स। ही गॉट एन ऑफर ऑफ 70,000 फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड ऑफर ऑफ 85,000 फ्रॉम टाटा इंडस्ट्री। बाबू दो जॉब के ऑफर है उसके हाथ में, 70,000 रुपए का रिलायंस से और 85,000 रुपए का टाटा से। कहते हैं व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर। अगर वो सेल्स मैनेजर की तरह ही काम करता रहे इसी सैलरी पर तो बेटा उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 70,000 और 85। क्या कहती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। ठीक है जी, अगला बेस्ट ऑल्टरनेटिव छोड़ दिया आपने, जो सेक्रीफाइस कर दिया। आगे बढ़ाओ जी बात को। कहते हैं फार्मर प्रोड्यूसेस 100 kgs ऑफ वीट ऑन अ पीस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज। इफ दिस फार्मर कैन ऑल्सो प्रोड्यूस 70 kg ऑफ राइस विद द सेम क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज देन व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वीट। वो कहते हैं पीस ऑफ लैंड एक फार्मर के पास 100 kg ऑफ वीट प्रोड्यूस करता है, और अगर वो चाहे तो वीट प्रोड्यूस ना करे, 70 kg ऑफ राइस कर ले, उसकी इच्छा है या ये। कहता है अगर वो वीट ही प्रोड्यूस करता रहे तो वीट प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अगर वीट प्रोड्यूस कर रहा है तो इतनी कर रहा है, वीट प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ये छोड़ रहा है बाबू, यही तो है 70 kg ऑफ राइस। ठीक है जी, जो सेक्रीफाइस कर दिया वही तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, ये सब ठीक है। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू कहता है कैलकुलेट द एमओसी ऑफ अ कॉमोडिटी ए फॉर अ गिवन कॉम्बिनेशन। बाबू एक गिवन कॉम्बिनेशन है, आपको कहता है कैलकुलेट द एमओसी। सामने देखना, नहीं, आप कुछ नहीं करोगे आज। आप जब करोगे तो मैं बताऊंगा कब करोगे। बाबू मुझे एमओसी कैलकुलेट करना है, सब सामने देखते रहना, एक बार बताना एमओसी है क्या? हिंदी में बताओ, अंग्रेजी में, पंजाबी में, भैया चाहिए, लेकिन एमओसी क्या है? अरे इतनी अंग्रेजी रहने दो, अभी ढाई की अंग्रेजी 5 मिनट भी नहीं लगने थे। बाबू एक कॉमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए आपने दूसरी कॉमोडिटी की जितनी भी यूनिट सेक्रीफाइस कर दी वो बेटा एमओसी है। एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, कोई न्यूमेरिकल आ जाए एमओसी पर, पीपीसी पर, एमआरटी पर, जिस पर मर्जी आ जाए, मैं हमेशा, मुझे नहीं पता बेटा क्वेश्चन क्या देगा शेड्यूल, पर बाबू मैं हमेशा शेड्यूल में पहली चीज जो लिखूंगा ना वो वही लिखूंगा जिसकी यूनिट सेक्रीफाइस हो रही होगी। ठीक है ना, कोशिश करो ये हैबिट बना लो, बहुत आसान बनेगा। आपके एग्जाम्पल में भी ये था ना, 21 20, पहले हमने यूनिट सेक्रीफाइस वाली लिखी, बटर की बाद में लिखी जो गेन हो रही थी। ठीक है जी, मैं अभी भी वही करूंगा, सेम कंटिन्यू करूंगा। इधर देखना दो कॉमोडिटी है, एक तो बढ़ती चली जा रही है मतलब गेन हो रही है, और दूसरी कहीं ना कहीं बेटा सेक्रीफाइस आपको दिख रही है। वो सेक्रीफाइस वाली कॉमोडिटी को पहले लिख लो, हमेशा आसान बनेगा आपके लिए। बाबू सबसे पहले इसने बताया कि 15 कॉमोडिटी, फिर 14, फिर 12। अगर आप देखो प्रैक्टिकली, एक गिरा, दो गिरा, फिर तीन गिराया होगा, फिर चार गिराया होगा और फिर पांच गिराया होगा। देख लो बेटा हालात यही है। ठीक है जी, और बाबू कॉमोडिटी ए कोई दिक्कत तो नहीं? एमओसी बताता क्या है? बाबू एक एडिशनल कॉमोडिटी बनाने के लिए आपने दूसरी कॉमोडिटी कितनी सेक्रीफाइस कर दी? सर पहले लेवल पे कभी सेक्रीफाइस नहीं करता, पहले जीरो बनाते थे, अब एक बना दिया, एक बना दिया ना, एक एडिशनल कॉमोडिटी बना दी ना, इसकी कितनी सेक्रीफाइस हो गई? सर 15 से 14 बना दिए, एक सेक्रीफाइस हो गई। सर पहले एक बनाते थे, अब दो बनानी शुरू कर दी। बाबू इसकी कितनी सेक्रीफाइस हो गई? दो, फिर तीन, फिर चार और फिर पांच। एमओसी इंक्रीजिंग है। अगर मुझसे किसी बात में शेप भी पूछ लेता तो मैं बता देता इट इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ाएं बात को आगे। ठीक है गौरी, चलो जी बाबू हमने एमओसी कैलकुलेट कर दिया जैसे कि क्वेश्चन ने कहा था। एग्जाम्पल नंबर 4,
कहता है डिटरमाइन द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, यानी कि एमओसी निकालना दोबारा से। सर शेड्यूल जैसे मैंने दिया हो, पहली लाइन क्या लिखूंगा मैं, सेक्रीफाइस, जिसकी भी कॉमोडिटी सेक्रीफाइस हो रही होगी मैं वही लिखूंगा, ठीक है जी। और बाद में लिखूंगा जिसकी गेन हो रही होगी। मुझे बताना बेटा कॉमोडिटी ए की तो यूनिट सेक्रीफाइस हो रही है, पहले 20 की अब 10 हो गए, और बेटा बी तो सच में गेन कर रहा है, ठीक है जी। बाबू यहीं कर देता हूँ ये क्वेश्चन, मेरे को तो लग रहा है कि बहुत ही आसान है, यहीं कर सकते हैं एक लाइन में। बाबू कितनी यूनिट सेक्रीफाइस हो रही है, 10, और यहाँ कितनी गेन हो रही है, 4। अब मेरी बात सुन लेना, कोई भी मत लिखाना, आंसर इज 10। आंसर क्या होना चाहिए, 2.5। क्यों सर, डेफिनेशन पे चले जाओ, डेफिनेशन पे, जो आप जाना नहीं चाहते। सर सारे प्रैक्टिकल थ्योरी से होते हैं, बच्चों को लगता है थ्योरी की कोई अहमियत नहीं है। बाबू क्या था एमओसी की डेफिनेशन, एक एडिशनल कॉमोडिटी बनाने के लिए, एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए कॉमोडिटी की, दूसरी कॉमोडिटी की जितनी भी यूनिट सेक्रीफाइस करी वो है एमओसी। सर एक एडिशनल कॉमोडिटी बनाने के लिए, या मैंने सच में एक एडिशनल बनाई, सर 4 एडिशनल बनाई। अगर एक ही निकालनी है आपने, तो बेटा डिवाइड करूंगा ना 4 से, टोटल 4 यूनिट बनाने के लिए आपने 10 सेक्रीफाइस करी। एक के लिए कितना सेक्रीफाइस हुआ सर, एक के लिए तो 2.5 का सेक्रीफाइस हुआ ना। एमओसी की डेफिनेशन है बेटा एक एडिशनल कॉमोडिटी के लिए जो दूसरा सेक्रीफाइस हुआ, यहां बेटा 4 यूनिट बनी है, ये मत कर देना एमओसी 10 है, सब रहता हो जाएगा। ये जो सेक्रीफाइस हो रहा है ना 10 यूनिट का, ये 4 यूनिट के लिए हो रहा है, एक के लिए सोचो। अगर 10 सेक्रीफाइस हो रही है 4 के लिए, तो एक के लिए कितना बेटा, 2.5 तो होगा। समझ में आ गई बात, तो अब एमओसी कितना हुआ बेटा, 2.5 यूनिट्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, मैं इसलिए चाह रहा था बेटा थ्योरी में थोड़ी सी मास्टरी करूं, मैं इसी चक्कर में टेस्ट लेना चाह रहा था, समझते नहीं हो बस अब आप को। कहते हैं कंप्यूट द एमओसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, मुझे एमओसी निकालना है अगेन, पहले क्या लिखूंगा जिसकी भी यूनिट सेक्रीफाइस हो रही होगी, फिर वो बाबू बाद में गेन पे। बाबू मुझे दिखाई दे रहा है गुड्स वाई की यूनिट सेक्रीफाइस होती चली जा रही है, और बेटा गुड्स एक्स की गेन होती चली जा रही है। बाबू सबसे पहले बेटा गुड वाई लिख देंगे, और बाबू देन गुड एक्स। सर इसने 200 से शुरू करा, पहले 180 यानी कि दिखाई दे रहा है 20 का सेक्रीफाइस, फिर बेटा 140 40 का सेक्रीफाइस, फिर 60 का सेक्रीफाइस, और फिर 80 का। और बेटा स्टार्ट हुआ ये 0 से, और 10 20 30 40 सामने देखना, कैलकुलेट क्या करना है अगेन एमओसी, सामने देखो जी फटाफट से। सर कितनी यूनिट सेक्रीफाइस हुई टोटल, फटाफट बताओ 20, कितनी कमाली बेटा 10। एमओसी ये बताता है कि 10 यूनिट के लिए कितना सेक्रीफाइस किया, वो तो क्या कहता है एक यूनिट के लिए क्या सेक्रीफाइस करा। अगर टोटल 20 का सेक्रीफाइस करा 10 यूनिट के लिए, तो एक के लिए सेक्रीफाइस कितना, 2, यानी कि एमओसी हेयर वुड बी द 2। कोई दिक्कत तो नहीं बाबू, यहां कितनी सेक्रीफाइस करी 40, कितनी यूनिट गेन कर ली, अरे बोलो 10। बाबू 10 यूनिट एडिशनल प्रोड्यूस करी, तो 40 यूनिट चली गई। सर 10 यूनिट के अगेंस्ट देखते हैं क्या हम सेक्रीफाइस, या एक यूनिट के अगेंस्ट, एक यूनिट के अगेंस्ट देखते हैं। बाबू एक यूनिट के अगेंस्ट निकालना है, तो यानी कि एमओसी वुड बी द 4, ठीक है। बाबू यहां कितनी यूनिट गेन करी 10, और यहां कितनी सेक्रीफाइस करी 60, 60 का सेक्रीफाइस हुआ है बेटा 10 के अगेंस्ट, यानी कि एक के लिए सेक्रीफाइस कितनी हुई 6। बाबू 80 का सेक्रीफाइस हुआ है 10 के अगेंस्ट, यानी कि बेटा एक के लिए सेक्रीफाइस 8। एमओसी आ गया बेटा, ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ाएं बात को। चलो बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को, एग्जांपल नंबर 5 तक डन है, 6 की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन पेपर में आने लायक क्वेश्चन, अगर किसी टीचर का मूड करे कि पीपीएफ ना लिखने को दे डायरेक्टली, तो बाबू सारे कंसेप्ट जज कर रहे हैं ना बच्चे के, इससे जज करा लो मजा ही आ जाएगा। चलो क्या देखते हैं बेटा आप कितना समझ पाते हैं इसको। बाबू कहते हैं द फॉलोइंग टेबल डिपिक्ट्स द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी एक्स एंड वाई। अच्छा जी बाबू कहते हैं ये टेबल है, इसमें सारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हमने लिख दी है। बहुत बढ़िया, 5 पॉसिबिलिटीज ने लिख दी है। कमोडिटी एक्स की बात करूं तो बेटा गेनिंग है, और बेटा अगर मैं वाई की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये सेक्रीफाइसिंग है।
आपको भी पता है मैं पहले क्या लिखने वाला हूँ, क्वेश्चन तो बाद में रीड करेंगे, पहले इतना काम तो निपटा ही दो, ठीक है जी। बाबू दो कमोडिटी हैं एक्स और वाई, तो पहले मैं वाई की बात करूंगा फिर मैं एक्स की बात करूंगा। 10 से शुरू है, पहले एक का सेक्रीफाइस है, फिर दो का सेक्रीफाइस है, फिर तीन का और फिर चार का, यहाँ गेन करता जा रहा है वो एक एक एडिशन। ठीक है, पढ़ते हैं जी क्या कहता है। कहते शो दीज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी थ्रू पीपीएफ, व्हाट डू द पॉइंट्स ऑन द कर्व इंडिकेट। कहता है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बता दो, ठीक है ना, और इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी से पीपीएफ ड्रॉ कर दो, और कह दो बता पूछता है आपसे ये पॉइंट क्या इंडिकेट करते हैं। बहुत बढ़िया बात बाबू, कर्व नहीं बना सकते क्या? मैं तो कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, जो आपने कर्व टेस्ट में बनाया, ये जो कर्व हमने सीखा 2-3 दिन लगाकर, सर वो कर्व नहीं दोबारा बना सकते, लाना था फिर तो क्या ही सीख रहे हो आप। बाबू मैं तो कह रहा हूं 1 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट का ही गेन ले लो बस, आप जो भी कॉमोडिटी एक्स है, ठीक है जी। और बाबू यहां पर बाबू चाहे 2 का ले लो, मेरे को तो लगता है 2 का भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक रहेगी बात, ठीक है जी। पहला पॉइंट क्या है, एक्स की यूनिट बनी 0 और वाई की बनी 10, यही है बेटा। दूसरा बाबू यहाँ 1 बनी तो वहां 9 बनी, लगभग कुछ यहां पर होगा पॉइंट। बाबू यहाँ 2 बनी तो यहाँ 7 बनी, यहाँ 2 तो इसके सामने ही ढूंढने की कोशिश करना 7, यहाँ 3 तो वहां 4, और यहाँ 4 तो यहाँ 0, ये पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा ही बना दिया। बाबू अगर आप ढंग से ड्रॉ करोगे तो बेटा इट विल बी कॉनकेव टू द ओरिजिन। ऐसा क्यों? क्योंकि दिखाई दे रहा है बेटा हर लेवल पर सेक्रीफाइस बढ़ता ही चला जा रहा है, यानी कि एमओसी इंक्रीजिंग है। एमओसी जब भी इंक्रीजिंग होगा पीपीसी कैसा होगा, कॉनकेव टू ओरिजिन। कोई मेरे को बताएगा बेटा कि ये पॉइंट्स इंडिकेट क्या कर रहे हैं? कहता है उसने ये पूछा था ना दूसरा क्वेश्चन ए पार्ट में कि ये पॉइंट इंडिकेट क्या कर रहे हैं। देखो एक बार दोबारा पढ़ लो ठंडे दिमाग से, व्हाट डू द पॉइंट्स ऑन द कर्व इंडिकेट। ये जो कर्व पे जितने भी पॉइंट है ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? सर मैं बता देता हूँ, कर्व पे जितने भी पॉइंट है वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि रिसोर्सेज फुली और एफिशिएंटली यूज होते हैं। सर हमारी अजम्पशन थी ना, अगर मैं रिसोर्सेज को फुली और एफिशिएंटली यूज कर रहा हूं तो यही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बन सकती है, पांच अजम्पशन थी ना। तो अब वो ये इंडिकेट कर रहा है कि रिसोर्सेज फुली और एफिशिएंटली यूज हो सकते हो रहे हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ाए बात को आगे। अब काम की बात आएगी, मैंने क्या कहा है, अगर टीचर को पीपीएफ जज करना हो ना ये क्वेश्चन दे दे, सबको दर्द हो जाएगा बच्चा कितना जानता है। आगे बढ़ाते हैं, कहता है लेबल अ पॉइंट एफ इन साइड द कर्व, एक पॉइंट बना लो कर्व के अंदर ही एफ। कहता है व्हाट डस दिस पॉइंट इंडिकेट। इधर देखना बाबू, कहता है एक पॉइंट बना लो एफ। बेटा ये तो जो पॉसिबिलिटीज थी ना, ये ए बी सी डी ई है, 5 पॉसिबिलिटीज उसने दी थी। कहता है पॉइंट ड्रॉ कर लो एफ इन साइड द कर्व के अंदर, और ये बता दो ये पॉइंट इंडिकेट क्या करता है। एक बात बताओ सर, अगर आप एफ तक पहुंच गए ना किसी भी तरीके से, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एफ तक पहुंच गई, तो समझ लेना रिसोर्सेस का आपने अंडर यूटिलाइजेशन किया। सर अगर ये पूरी तरीके से बता रहा है कि मैक्सिमम अगर रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, लेबर 10 घंटे ही काम कर सकती है, 10 ही घंटे कर रही है पागलों की तरह, मशीनरी 24 घंटे ही चल सकती है, 24 के 24 घंटे चल रही है, तो वही है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। अगर बेटा इसके अंदर आ गए, इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो गया। प्रोडक्शन कम कम होगा जब मैं रिसोर्सेस को पूरी तरीके से यूज नहीं करूंगा, तभी तो कम होगा, यानी कि दिस पॉइंट इंडिकेट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। समझ में आ गया बात? पक्का से क्लियर है बात सबको, ठीक है ना जी। सर पीपीएफ मैक्सिमम मैक्सिमम दिखाता है कि रिसोर्सेस को कितना ज्यादा यूज कर सकते हो। मैं मैक्सिमम यूज कर रहा हूँ रिसोर्सेज को, तब ये पॉसिबिलिटीज है। अगर इसके अंदर जाना है ना बेटा, तो रिसोर्सेज कम ही यूज कर रहे होंगे, लेबर से 10 घंटे काम नहीं निकलवा रहे होंगे, मशीनरी 24 घंटे चलनी नहीं होगी। ऑल ओके, चलो जी बात को आगे बढ़ाते हैं। बाबू बहुत ही तगड़ी बात है, कहता है लेबल अ पॉइंट जी आउटसाइड द कर्व, एक पॉइंट जी भी बना लो कर्व के बाहर, एंड व्हाट डज दिस पॉइंट इंडिकेट। कहता है ये पॉइंट क्या इंडिकेट करता है ये भी बता दो। ये तो मैंने पॉइंट जी बना लिया, कोई बताएगा मेरे को ये पॉइंट क्या इंडिकेट करता है? थोड़ा सा गेस कर लो। देखो बिल्कुल वाली बातें करते हो तुम, कह रहे हो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मेरे को पता था, बस अपोजिट ढूंढने चल देते हो बेटा। इसे बोलते हैं अनअटेनेबल पॉइंट,
अनअटेनेबल क्यों बोलते हैं बाबू? अभी मेरी भी सुन लो तो शायद ज्यादा आइडिया हो जाएगा बाबू। अनअटेनेबल मतलब बाबू ये पॉइंट कभी अटेन ही नहीं हो सकता आपसे। क्यों नहीं हो सकता सर? आप खुद समझो ये कर्व किस अजम्पशन पे बढ़ना है कि रिसोर्सेस फुली यूज हो रहे हैं। जब फुली यूज हो रहे हैं उससे ज्यादा भी कोई बड़ी बात होती है? कुछ 100% यूज कर रहा हूं, 101 भी कोई बात होती है। 101 कैसे यूज कर सकते हैं? मशीनरी के लिए 24 घंटे 1 मिनट कहां से लाऊं? पूरे 24 घंटे काम ले रहा हूं ना मशीनरी से, तो ये प्रोडक्शन हो रहा है। 24 घंटे 1 मिनट भी चल सकती है तभी हो सकता है पॉइंट। तो अच्छी इसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में अनअटेनेबल पॉइंट। और एक बात बता देता हूं, अगर सच में इसको अटेन करने का मोड चला है ना हो, तो बाबू रिसोर्सेस बढ़ा लो, लेबर बढ़ा लो, मशीन बढ़ा लो, तब हो सकता है ये पॉइंट अचीव। इससे पहले नहीं हो सकता, इससे पहले हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी अजम्पशन थी कि ये मैक्सिमम रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, मैक्सिमम, तब जाके तो पीके बन रहा है। इसके बाहर कैसे चले जाओगे मैक्सिमम यूज हो रहे हैं? अटेन हो सकता है पॉइंट? नहीं, सिर्फ एक ही शर्त पे हो सकता है, मेरी लेबर बढ़े, मेरी मशीनरी बढ़े, तभी तो हो सकता है अचीव। और इसने अगला क्वेश्चन यही पूछा आपसे, कहता है व्हाट मस्ट अकर सो दैट इकोनॉमी कैन अटेन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एज इंडिकेटेड बाय पॉइंट जी। कहता है क्या होना जरूरी है अगर सच में आप प्रोडक्शन जी के बराबर चाहते हो? सर आपको पता है क्या होना जरूरी है? और अगर बड़े समझदार हो, ये राइटवर्ड शिफ्ट भी तो है, और राइटवर्ड शिफ्ट कब हो सकता है? जब टेक्नोलॉजी बढ़े, जब रिसोर्सेज बढ़े, तभी तो हो सकता है। क्लियर है बात? ओके भाई, जिसने सुना हुआ है समझा हुआ है मुझे लगता है वो तो कह रहा होगा जी हाँ बिल्कुल बात ठीक बोल रहे हो, ठीक है ना। जिसका पिछले कंसर्ट में दिक्कत है वो मैं समझ सकता हूँ कि क्या वो यहाँ पर भी परेशान हो ही रहा होगा, ठीक है जी। कोई नहीं, मैंने लेकिन समस्या का समाधान आपका सोच ही लिया, बता दिया, संडे जिंदाबाद है, ठीक है जी। वो तो समाधान मुझे करना ही है भैया। आओ जी बाबू सामने देखना, अब शायद दो दो मिनट के दो तीन मुद्दे रहते हैं और फिर हम जा सकते हैं। बहु एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है कंट्री प्रोड्यूसेस 2 कॉमोडिटी एक्स एंड वाई, इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी आर शोन इन अ फॉलोइंग टेबल। बहु कहते हैं कंट्री 2 कॉमोडिटी प्रोड्यूस कर रही है एक्स और वाई, और उसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऐसे ऐसे। कहता है कैलकुलेट एमआरटी, बहुत बढ़िया, कंस्ट्रक्ट अ पीपीएफ विद द हेल्प ऑफ वेरियस पॉसिबिलिटीज, ठीक है जी। कमेंट ऑन द शेप ऑफ पीपीएफ अलॉन्ग विद एक्स रीजन। एमआरटी कैलकुलेट करना है, पीपीएफ ड्रॉ करना है, उसकी शेप पर कमेंट करना है। बहु एक मिनट में इतना देखना, पहले सैक्रिफाइस लिखूं या पहले गेन? सैक्रिफाइस लिखूं, आदत बनी रहेगी आपकी भी ऐसी मेरी तरीके से। सर अगर आप देख पा रहे हो यहाँ 6 यूनिट सैक्रिफाइस है, यहाँ 5, 4, 3, 2, कुछ समझ में? सर इस बार एमओसी इंक्रीजिंग नहीं है बल्कि शेप क्या आएगी? कॉन्वेक्स। यार इतनी तो बुद्धि रखो, इतना तो क्वेश्चन देख के कमेंट कर देना ये शेप कॉन्वेक्स आने वाली है, और पीपीएफ ड्रॉ करते टाइम तो मैं पहले से बताऊंगा कि शेप कॉन्वेक्स आएगी, ठीक है नहीं? पक्की बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अगर ये तो रीडिंग में ही हो जाना चाहिए इतना काम तो। आओ बाबू बहुत सारी पॉसिबिलिटीज की ये बात करता है, शायद कुछ 6 पॉसिबिलिटीज, एक सेकेंड में देख लूं। हाँ बाबू कॉमोडिटी एक्स पहले 20, 6 कम, फिर 5 कम, फिर 4 कम, फिर 3 कम, और फिर 2 कम, ठीक है जी। और बेटा ये शायद 0 से लेकर 5 तक होगा। यस सर इस बार एमओसी नहीं पूछा, एमआरटी पूछा, मुझे क्या फर्क पड़ता है? दोनों एक जैसी बात है, बस ये रेशो की फॉर्म में है। कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करी? 6, 1 यूनिट गेन करने के लिए। कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करी? 5, 1 यूनिट गेन करने के लिए। कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करी? 4, 1 यूनिट गेन करने के लिए, और ये 3 और ये 2 निकल गया एमआरटी, ठीक है जी। पहले पार्ट का तो आंसर यही है, एमआरटी निकालना था, ए पार्ट ये रहा, ठीक है जी। अब कहता है बेटा पीपीसी ड्रॉ कर लो। अच्छा जी लो जी करके देखते हैं पीपीसी ड्रॉ। सर यहाँ 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर है, ठीक है जी। और यहाँ अगर आप चाहो तो हम 2 भी ले सकते हैं, आप चाहो तो 3 भी ले सकते हैं, बताओ क्या ले, 2 या 3? 2 ले लो जी। सर पहली पॉसिबिलिटी बेटा इसकी y की 0 कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है और x की बेटा 20,
ठीक है पहला पॉइंट बाबू। उसके बाद वाई की कॉमोडिटी एक और बेटा एक्स की 14, यानी कि बेटा 1 के सामने 14, ठीक है बाबू। 2 के सामने 9, 2 के सामने 9, कुछ लगभग यहां बाबू। 3 के सामने 5, 4 के सामने 2 और बेटा 5 के सामने 0। दिख रहा होगा आपको ये शेप कैसी हो चली है बाबू। इस बार शेप ऐसी नहीं आ रही, इस बार शेप ऐसी आ रही है, इट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कमेंट कर दोगे शेप पर कि कॉन्वेक्स टू ओरिजिन पढ़ाए आपको आगे बाबू। आखिरी के दो एग्जांपल और फिर जा सकते हैं, पढ़ते हैं जी। कहता है गिविंग रीजन कमेंट ऑन द शेप ऑफ पीपीसी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग शेड्यूल। सिर्फ कमेंट करना है, ठीक है जी। समझदार बनो, एमओसी निकाल लो, पहले सेक्रीफाइस फिर गेम और एमओसी निकाल लो। एक बार इधर देखना, एक सेक्रीफाइस, दो, तीन और चार। सर एमओसी इंक्रीजिंग है, शेप क्या होगी? कॉनकेव, जो हमेशा मिलती है, ठीक है जी। पढ़ना अब वो कहता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, कॉनकेव टू ओरिजिन होगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होगा ही ना, होगा क्यों बेटा? इनवर्स रिलेशनशिप भी तो है, एक बढ़ रहा है दूसरा गिर रहा है, वो तो है ही है। जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होगी हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा ना, ठीक है जी। लास्ट वन कहता है गिव रीजन कमेंट ऑन द शेप ऑफ पीपीसी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग शेड्यूल। ये शेड्यूल है, मुझे कमेंट करना है। इधर देखना, पहले सेक्रीफाइस देखो, चार का सेक्रीफाइस एक का गेन, चार का सेक्रीफाइस एक का गेन, चार का सेक्रीफाइस हमेशा चार का सेक्रीफाइस एक का गेन, यानी कि एमओसी कॉन्स्टेंट है। शेप क्या होगी? स्ट्रेट लाइन, दैट्स इट। सारे एग्जाम्पल खत्म हो गए, सारे न्यूमेरिकल चैप्टर का भी बुक दे दिया, कल आएंगे। अच्छा चलो, मैं बाद में करता हूँ, रखते हैं आज के लिए इतना ही है। पहले बच्चों, बाय बाय।